नमस्कार दोस्तों, अत्ती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आर्य शोभे अत्ती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एकेडमिक क्लास चल रही है, क्लास 9 10 जूनियर टू क्लास 10 तक। तो उसमें जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमने रिसोर्स की प्लानिंग के विषय में पढ़ लिया। आज हम एक एक रिसोर्स के विषय में जानेंगे, लैंड रिसोर्स। मैंने इससे पहले बताया था कि जो भूमि होती है वो एक संसाधन होती है, क्योंकि ये नेचर द्वारा हमें प्रदान किया गया है। जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यानी जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें ज़मीन के द्वारा या भूमि के द्वारा ही सपोर्ट की जाती हैं। आप जानते हैं कि जो भूमि होती है वह लैंड अलग अलग वैरायटीज की, अलग अलग रिलीफ फीचर्स की होती है। जैसे अलग अलग वैरायटी का तात्पर्य है कि जैसे कुछ लैंड एरिया पे माउंटेन होते हैं, कुछ पे प्लेटूज होते हैं, कुछ प्लेन एरिया होते हैं, ठीक है, कुछ हायर लैंड होते हैं, ठीक। तो अगर हम कहें तो 43% जो लैंड है वो प्लेन है, यानी मैदान है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज देती है, यानी सुविधाएं देती है। माउंटेन जो इस टोटल लैंड सरफेस पे हैं वो 30% हैं, यानी पर्वत जो हैं वो 30% पूरे लैंड सरफेस पर पाए जाते हैं। जो पेरिनल फ्लो देते हैं रिवर्स को, यानी जहां से नदियां लगातार बहती रहती हैं प्लेन एरिया में, 27% जो रीजन्स है उस पर प्लेटू है, यानी पठार हैं, जहां पर मिनरल, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग। लैंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले जमीन का उपयोग जंगल के लिए होता है। अगर जमीन देखा जाए, लैंड देखा जाए, तो सबसे पहला फॉरेस्ट है, दूसरा है कल्टिवेशन यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दो तरह की जमीनें होती हैं, पहला बैरन और वेस्ट लैंड, दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वह जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर, जैसे आप जिस किसी भी एरिया में आपने इंडस्ट्री बना ली, बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, फैक्ट्री बना ली, तो वह जमीन वेस्ट है। उस जमीन का यूटिलाइजेशन आप एज अ रेजिडेंशियल कर रहे हैं, उस पर कोई भी प्रोडक्शन कार्य नहीं हो रहा है। और जो बैरन लैंड वेस्ट लैंड है उस पर भी कोई प्रोडक्शन कार्य नहीं हो रहा है। तो लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन वो इस कैटेगरी में आती है। तीसरा है अनकल्टिवेटेड लैंड, में कुछ फेलो लैंड है, जैसे परमानेंट पास्चर जो हैं, ग्रेजिंग लैंड है, यानी जो अस्थाई चारागाह हैं, जो चारागाह की जमीनें हैं। लैंड यूज टू मेलसिस ट्री क्रॉप्स ग्रोइंग इंक्लूड इन नेट सोन एरिया, कह रहा है कि जो पौधे जो कुछ ऑर्चार्ड के लिए यानी बागानी के लिए यूज किए जाते हैं वो भी नॉन कल्टिवेशन एरिया में आते हैं। उस पर कल्टिवेशन नहीं, नॉन कल्टिवेशन एरिया में आते हैं, जैसे एप्पल ऑर्चार्ड है, तो आप एप्पल के ट्री को काट थोड़ी देंगे पेड़ पौधे के बाद, आप उससे फल प्राप्त करने के बाद उसे हटा थोड़ी देंगे, वो पड़ा रहता है। मैंगोज ऑर्चार्ड है, तो उसको आप मैंगो प्राप्त करने के बाद हटा नहीं देंगे, वो फिक्स होता है, तो वो भी कल्टिवेशन एरिया से निकाला जाता है। फेलो लैंड क्या होती है, वह लैंड जिसपे एक साल या उससे ज्यादा समय तक कल्टीवेशन नहीं की जाती है उसे हम फेलो लैंड कहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उस पर कल्टीवेशन की जा सके। नेट सोन एरिया क्या होता है, जितने एरिया में बुआई की जाती है, यानी हर साल जितने एरिया में कल्टीवेशन किया जाता है उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लैंड यूज पैटर्न है इंडिया में, भारत में जो लैंड का यूज करने का पैटर्न है उसको आप देख लीजिए, तो जो रेड कलर से है वो भारत में लगभग रेड कलर का जो एरिया है, यानी 18.11% जो है वो फॉरेस्ट है। बैरन लैंड और अनकल्टिवेटेड एरिया जो है 18.11% है। एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में आता है वह एरिया लगभग 4.95% है। जो परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है वह एरिया लगभग 4.71% है।
जो एरिया अंडर कल्टीवेशन या मिस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोइंग एरिया है वो 1.50% है, वह एरिया जो कल्टिवेटेबल वेस्ट लैंड है वह 6.23% है, वह एरिया जो फेलो लैंड या जो करंट फ्लो है वो 3.50% है, और वह एरिया जो करंट फ्लो है वह एरिया लगभग 3.73% है। अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो भारत में जो नेट सोन एरिया है वो 46.23% है। तो इस आंकड़े से आपको ये बात मालूम हो गई होगी कि 1960 और 61 में ये आंकड़ा था, और 2014 और 2015 यानी 2014 और 15 में यह आंकड़ा है। तो आपने देखा होगा कि लगभग 1.1% का डिक्रीमेंट हुआ है नेट सोन एरिया में। तो मेरे हिसाब से यह आपको समझ में आ गया होगा। आप आते हैं, बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जमीन का क्षरण, कि हम लगातार जमीन पर एग्रीकल्चर करते जाते हैं और जमीन क्या होती है, उसका उपजाऊपन, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे जब उसकी फर्टिलिटी कम होती है तो उसे डिग्रेडेशन का नाम दिया जाता है, या डैमेज लैंड उसे कहा जाता है। तो लैंड डैमेज कैसे होती है? जैसे जो माइनिंग एरिया है, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग यानी बहुत ज़्यादा चारागाह करने से भी ज़मीनें डिग्रेडेशन उसमें होता है। कैसे? ज़मीनें जब पशु जब चारागाह करते हैं तो उनकी खुर जो होती है, उनकी जो नेल्स होती हैं, उनसे ज़मीन उटक जाती है। कहने का तात्पर्य, ज़मीन खुद जाती है, ज़मीन ढीली हो जाती है, ज़मीन की पकड़, और विंड, एयर या वाटर द्वारा उसे एक स्थान